सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम हिंदी के मोस्ट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों CGPSC CGVAPAM में आयोजित होने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय से एक से दो नंबर की क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिए। इस लेक्चर में हम उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उपसर्ग को कैसे पहचाना जाता है और उपसर्ग का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग उपशब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ पकड़ करता है। अर्थात उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले लगते हैं, याद रखिएगा। तो यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, अर्थात किसी शब्द के पास में बैठकर उसे विशेष महत्व का बनाना। उपसर्गों की संख्या देखते हैं, उपसर्गों की संख्या देखते हैं अर्थात जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए उपसर्ग हैं। तो क्या क्या उपसर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे CGVAPAM और CGPSC में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत प्लस उद, उप, दुर, दुस, नी, नीर। दोस्तों ये सब सारे उपसर्ग हैं अर्थात वर्ड के पहले लगते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परा, परी, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अ, अन, अध, उन, औ, दू, नी, बिन, भर, कु, का, सु और सा। इनसे शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। तो पहला अति से कैसे बनेगा, तो अतिकाल। यहाँ देखिए काल में काल के आगे अति उपसर्ग जोड़ा गया है अर्थात अतिकाल बन गया है। वैसे ही अधिकार, अनुशासन, अपहरण, अभियान, अवज्ञा, अवागमन, आरंभ, उत्तम, उपस्थिति, निवारण, निर्वास, पराक्रम, परिजन, प्रकाश इत्यादि। अब सेकंड देखते हैं अरबी और फारसी से हिंदी में आए हुए उपसर्ग। तो अल, कम, खुश, गैर, दर, न, बद, बर, बिल, बे, ला और हम इत्यादि उपसर्ग अरबी और फारसी से हिंदी में आए हुए हैं। तो उदाहरण देखते हैं इनका। अल से अलगरज, कम से कमसिन, खुश से खुशबू, गैर से गैरकानूनी, दर से दरमियान, ना से नापसंद। दोस्तों ये जो गैरकानूनी है उसको CGVAPAM ने एक बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में। बद से बदमाश, बर से बर्दाश्त, बिल से बिल्कुल, बे से बेवकूफ़, ला से लाचार और हम से हमदर्दी इत्यादि। तो दोस्तों आप लोग जो इसके टाइप्स है उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको लिख कर याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये चीज़ें आपको याद में याद रहेगी तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन पाएगी। और दोस्तों इसका जो प्रीवियस ईयर का मैंने प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को लेक्चर बना रखा है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको आप लोग इस थ्योरी लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यय देखते हैं। तो प्रत्यय का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि शब्दों के बाद में जो अक्षर समूह या अक्षर जुड़ता है, ठीक है, शब्द के साथ उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय शब्द के पीछे में लगता है। तो प्रति प्लस ऐ से मिलकर प्रत्यय बना है। दोस्तों क्या होता है एग्ज़ाम में कई बार प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में पर बाद में लगने वाला। प्रत्यय के भेद देखते हैं। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं। दोस्तों कृत प्रत्यय देखते हैं, क्रिया या धातु के अंत में
प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि जो शब्द के पीछे में लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्रिया या धातु शब्द के जो अंत में लगता है, अर्थात जो मूल शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से कृदंत बनता है। कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं, जैसे गाना है, ठीक है, तो उसमें कृत प्रत्यय वाला जोड़ते हैं तो गाने वाला हो जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो हार, एया, वया, इया, तव्य, यथ, ये सारे हमारे कृत प्रत्यय है, ठीक है। और जो ये जो है क्रिया के धातु या मूल रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिए कृदंत के भेद। तो हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के दो भेद हैं, विकारी कृदंत और अविकारी या अव्यय। तो विकारी कृदंत देखते हैं, विकारी कृदंतों का प्रयोग प्रायः संज्ञा या विशेषण के सदृश होता है। कितने भेद हैं, तो इसके चार भेद हैं। कौन कौन से, तो क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत, ठीक है। तो इसका और आगे डिटेल में देखते हैं। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृदंत प्रत्ययों के योग से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। याद रखिएगा, क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से ये चारों बनते हैं। अब हिंदी के कृत प्रत्यय देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ देखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों के भाववाचक, करणवाचक, कर्तृवाचक संज्ञाएँ और विशेषण बनते हैं। तो भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएँ, इन संज्ञाओं की रचना धातु के मूल शब्द में, याद रखिएगा धातु के मूल शब्द में अ, अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आओ, आवा, आस, अवीना, आवनी, आवट, आहट, ई, औत, औती, अवल, औनी, क की, ग गी, त ती, न नी इत्यादि प्रत्ययों के जोड़ने से होती है। भाववाचक कृदंतीय संज्ञा कैसे बनती है, तो यहाँ पे यही इसके पहचाने की ट्रिक है, ठीक है, और इसके निर्माण का ट्रिक है। तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाववाचक कृदंतीय प्रत्ययों में उदाहरण देखते हैं। तो जैसे अप्रत्यय है, तो धातु के मूल शब्द भार में अगर अप्रत्यय जोड़ के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। भीड़ धातु में अंत प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिंडत हो जाएगा। वैसे मिल धातु में आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मिलाप हो जाएगा। वैसे खींच में आव जोड़ेंगे तो खिंचाव हो जाएगा। सज में आवट जोड़ेंगे तो सजावट। पीस में ओनी जोड़ेंगे तो पिसौनी। निकास में आज जोड़ेंगे तो निकास। हिंदी में कृत प्रत्यय के दूसरा टाइप देखते हैं, करणवाचक संज्ञाएँ। इसमें धातु के अंत में आ, नी, ई, ऊ, औटी, न, नी, ना इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे झूल में आ प्रत्यय लगा के झूला बनाया गया, वैसे मत में आनी प्रत्यय लगा के मथानी, रेत में ई प्रत्यय लगा के रेती, झाड़ में ऊ प्रत्यय लगा के झाड़ू, कस में औटी प्रत्यय लगा के कसौटी, बेल में न प्रत्यय लगा के बेलन, वैसे बेल में ना प्रत्यय लगा के बेलना, वैसे बेल में नी प्रत्यय लगा के बेलनी। हिंदी के कृत प्रत्यय के तीसरा टाइप देखते हैं, कर्तृवाचक कृदंत विशेषण। धातु के अंत में अकु, आउ, आक, आका, आड़ी, आलू, इया, इयल, एरा, एत, ओड़, ओड़ा, आकु, अक्कड़, वन वाला, वया, सार, हार इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे उड़ धातु में अंकु प्रत्यय लगाया गया तो उड़ंकु, तैर धातु में आग प्रत्यय लगाया गया तो तैराक, लड़ धातु में आका प्रत्यय लगाया गया तो लड़का, झगड़ धातु में आलू प्रत्यय लगाया गया तो झगड़ालू, लड़ धातु में एत प्रत्यय लगाया गया तो लड़ैत, हंस धातु में ओड़ प्रत्यय लगाया गया तो हंसोड़ आदि और भी एग्जाम्पल्स हैं। प्रत्यय के दूसरे प्रकार तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। इससे पहले हम लोग कृत प्रत्यय के और उसके प्रकारों का चर्चा किए हैं, अब तद्धित प्रत्यय और उसके प्रकारों का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, तो तद्धितांत। उदाहरण देखते हैं, मानव,
मित्ता प्रत्यय जुड़ा तो मनौता हो गया, अच्छा में आई प्रत्यय जुड़ा तो अच्छाई, एक मित्ता प्रत्यय जुड़ा तो एकता। हिंदी में तद्धित प्रत्यय और उसके प्रकारों को देखते हैं तो हिंदी में तद्धित प्रत्यय के चार प्रकार बनते हैं, भाववाचक, ऊनवाचक, कर्तिवाचक और संबंधवाचक। सभी का एक एक करके डिटेल में यहाँ पे नीचे अवलोकन करेंगे। तो पहला है भाववाचक तद्धित संज्ञाएँ। भाववाचक तद्धित प्रत्यय निम्न है, आयद, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औति, तति, पन, पा, सा। दोस्तों अगर आपको ये सारे प्रत्यय याद रहते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और दोस्तों जितना ज़्यादा आप लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उतना ज़्यादा आपको ये डाउट क्लियर होगा और याद होते जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके अब मैंने 30 से 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका लेक्चर बना रखा है, तो उसको आप लोग जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चूर में आ प्रत्यय लगाया गया तो चूरा बना, चतुर में आई प्रत्यय लगाया गया तो चतुराई, वैसे ही सड़ा में आयत प्रत्यय लगाया गया तो सड़ायद, छूट में आरा प्रत्यय बना तो छुटकारा, खेती में ई प्रत्यय लगा तो खेती। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो खेती है वो मूल रूप है, फिर भी इसमें ई प्रत्यय लगा रहता है देखिए यहाँ पे, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ऐसे अपवाद क्वेश्चंस को हमारा CGPSC ज़्यादातर पूछता है। बाप में औति प्रत्यय जोड़ेंगे तो बपौती, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़कपन, घाम में सब प्रत्यय जोड़ेंगे तो घमस। दूसरा प्रकार देखते हैं ऊनवाचक तद्धितांत संज्ञाएँ। ऊनवाचक संज्ञाओं से वस्तु की लघुता, प्रियता और हीनता इत्यादि का भाव होता है, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग यहाँ शॉर्टकट में लघुता, प्रियता और हीनता का जिस तद्धित संज्ञाओं में भाव हो वहाँ पे ऊनवाचक तद्धितांत होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है ऊनवाचक। तो आ, या, ई, ओला, क, की, ट, टी, डा, डी, र, ली, व, स इत्यादि। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे ठाकुर में ऊनवाचक प्रत्यय लगता है तो ठगुरा हो जाता है, खाट में इया ऊनवाचक प्रत्यय लगता है तो खटिया, साप में ओला ऊनवाचक प्रत्यय लगता है तो सपोला, कन में की ऊनवाचक प्रत्यय लगता है तो कनकी, बाछा में अंगा प्रत्यय लगता है तो बछड़ा, बच्चा में वा प्रत्यय लगता है तो बचवा, मरा में सा प्रत्यय लगता है तो मरा सा। तीसरा प्रकार देखते हैं संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएँ जो निम्न है, आल, हाल, ए, एल, औति, जा इत्यादि। तो ससुर में आल संबंधवाचक प्रत्यय लगता है तो ससुराल हो जाता है, नाना में हाल संबंधवाचक प्रत्यय लगता है तो ननिहाल। यहाँ पे इन सबको याद रखिएगा आप, ठीक है। और उसके एग्जांपल नीचे दिए गए हैं तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। चौथा प्रकार है कर्तिवाचक तद्धितांत संज्ञाएँ। संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हार इत्यादि लगाया जाता है तब कर्तिवाचक तद्धितांत प्रत्यय बनता है, ठीक है। तो नीचे एग्जांपल देखते हैं, सोना में आर प्रत्यय लगाया जाता है तो सुनार, आड़त में ई प्रत्यय लगाया जाता है तो अड़हरिया, तेल में ई प्रत्यय लगाया जाता है तो तेली, लड़की में हारा प्रत्यय लगाया जाता है तो लकड़हारा, वैसे ही सांप में एरा प्रत्यय लगाया जाता है तो सपेरा। पाँचवा प्रकार देखते हैं तद्वितीय विशेषण। संज्ञा के अंत में आ आना, आल, ई, इला, उआ, ऊ, एरा, एड़ी, एल, ओ, वाला, वी, वा, वंत, हर, हारा, हला, हा इत्यादि। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, भूख में आ प्रत्यय जुड़ा तो भूखा, देहात में ई प्रत्यय जुड़ा तो देहाती, बाजार में उ प्रत्यय जुड़ा तो बाजारू, मामा में एरा प्रत्यय जुड़ा तो ममेरा, मेरठ में वाला प्रत्यय जुड़ा तो मेरठ वाला, लखनऊ में वी प्रत्यय जुड़ा तो लखनवी, छूत में हर प्रत्यय जुड़ा तो छूतहर, सोना में हरा प्रत्यय जुड़ा तो सुनहरा। तो दोस्तों यह था हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का लेक्चर वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि हिंदी से जुड़े मैं और भी जितने हमारे CGPSC CGVAPM में के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं
उन सभी का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा।